इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर जो कृषि कानून है उनके कंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो तीन किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का बात करें। हाँ, बजट पे बोलेंगे। आप शांत हो जाइए प्लीज। मालूम है किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। तो बात है कि इन तीन कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है। तो पहले कानून का कंटेंट, कोई भी व्यक्ति पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा, मंडी में कौन जाके खरीदेगा। तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है, इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है, तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे कानून का कंटेंट आपको याद होगा, स्पीकर सर, डरते क्यों? सुनो, तू हिले सुन अपने स्पीकर सर, दादा स्पीकर सर,
आप बजट फैमिली प्लानिंग का आप बजट पर बात आप सर सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को चार लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें, बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। चार लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत। हम दो हमारे दो, ये किसकी सरकार है, हम दो हमारे दो। इधर तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूँ। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट, माननीय सदस्य, आप आसन कि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज फल और सब्जी को बेचने का अधिकार, ये है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा, नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज फल और सब्जी मोनोपोली दी जा रही है। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। फल और अगर बजट पे साइलोज में रखेगा, ये कोई ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्ये कहते हैं सर मैं आया ऑप्शन, मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ, आपने बजट के लिए चर्चा के लिए पुकारा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बैठिए माननीय सदस्य। प्रधान बजट पर चर्चा है, मैं आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये तीन ऑप्शन आपने दिए हैं। अब देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। अब बजट 40% आबादी इस पे जीती, इससे जीती है। 40,00,000 करोड़ रुपए का धंधा है। इसमें किसानों को फायदा मिलता है, तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देता हूं। दूसरे कानून का इंटेंट है, पानी दो, पानी गिर जाएगा, पानी दो। दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा, तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी, वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। और जब वही किसान कंज्यूमर बनके अपना ही माल खरीदने जाएगा, तो वही व्यक्ति अपने गोदाम से
अपने जब बजट पे चर्चा है सर, बजट पे चर्चा है, राष्ट्रपति अभिभाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी, प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया, अब उसी पे राष्ट्रपति जी का भी और आपका भी अपमान कर रहे हैं सर, ये आपका भी अपमान कर रहे हैं, सदन का भी अपमान कर रहे हैं सर, कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है किसान मजदूर छोटे दुकानदार व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर, रूल 218 218 सर, रूल सर, द डिबेट ऑन अप्रोप्रिएशन बिल शैल बी रिस्ट्रिक्टेड, अरे बिदुरी, द डिबेट on appropriate bill shall be restricted to the matters of the public importance or administrative policy employed in the grants covered by the bill which have not already been raised while the relevant demands of grants were under consideration. I would like to remind him that he should restrict his speech to the budget number 2, and he is claiming that 40% of the groceries and other things, vegetables, They are kept in Adani's and Ambani's place. Let him prove that. Where from? He should place it on the table. He should place it on the table. Where can he get these all these documents? Where statistics कहाँ से आए? इसको authenticate करना है. रिकॉर्ड में नहीं जाएगी. चलिए. बैठिए. आप बोलने दे रहे क्या? सर आपने माइक बंद कर दिया. बोलने दीजिए. चल बैठिए. माइक बंद कर दिया सर आपने सर. बैठिए. आप तो डिस्टर्बेंस कर, आप बोलने दीजिए ना, आप कोई रूल बता रहे हैं क्या? आप कोई रूल बता रहे हैं? अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी को बता जाए, 214 सर, 214 सर, डिस्कशन सर, डिस्कशन ऑफ ए जनरल कलेक्टर सर, डिस्कशन ऑफ ए जनरल कलेक्टर में बी अलाउड ऑन द मोशन और एनी अमेंडमेंट मूव देयर टू, बट द डिटेल्स ऑफ द ग्रांट शैल नॉट बी डिस्कस फर्दर देन इज नेसेसरी टू डेवलप द जनरल पॉइंट, सर डिस्कशन ऑन जनरल पॉइंट इज अलाउड, सो डिस्कशन, इट इज द डिस्कशन ऑन जनरल पॉइंट, डिस्कशन ऑफ जनरल पॉइंट इज अलाउड इन द रूल बुक, डिस्कशन ऑफ जनरल पॉइंट। अच्छा बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं आए? बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं आए? तो बजट में जब एग्रीकल्चर मुद्दा है तो बजट में क्यों चर्चा नहीं हो सकता एग्रीकल्चर? दादा भाई पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज सिंपल, यू लिसन टू दिस सर प्लीज, 349 इट सेज व्हाइल द हाउस इज सिटिंग ए मेंबर टू शैल नॉट इंटरप्ट एनी मेंबर व्हाइल स्पीकिंग बाय डिसऑर्डरली एक्सप्रेशन or noises or in any other disorderly manner. While Honorable Member Rahul Gandhi is speaking, tab to jinon is disturb kar raha hai, sab kar raha hai, ab koi aa diye kya, kal nahi tha kya, kal nahi tha, मंत्री शोर डाल रहे हैं, मंत्री ऐसा कभी हुआ नहीं, मंत्री भाग रहे हैं, रूल बुक ढूंढ रहे हैं, अरे क्यों घबरा रहे, अभी तो बोले ही पांच।